उत्तर शिक्षा समिति की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है भैया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय में नेक्स्ट टॉपिक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, हमको पता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय और उपभोग, ये तीन ये हमारे मुख्य क्रियाकलाप रहते हैं अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में मुख्य क्रियाकलाप क्या रहता है, एक रहता है उत्पादन, एक रहता है विनिमय और तीसरा रहता है उपभोग। ये तीन बातों को ध्यान रखना, इसी ये मुख्य क्रिया है, ये हमारे अर्थव्यवस्था की क्या है, मुख्य क्रिया है। अब ये हमारे अर्थव्यवस्था की मुख्य क्रिया किस प्रकार है, देखो हम जब तक वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे, हम वो वस्तु के बारे में, वो वस्तु ही नहीं है, है ना। मान लो ये पेन है, इसका उत्पादन करना पड़ेगा, अनाज है उसका उत्पादन करना पड़ेगा, कोई किसी प्रकार का फल है उसका उत्पादन करना पड़ेगा, मोबाइल है, बॉक्स है, किसी भी तरह की वस्तु, उसका तो क्या करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, बनाना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात विनिमय, उसको क्या करना पड़ेगा, विनिमय यानी आदान प्रदान। विनिमय को एक शब्द में बताए तो क्या अर्थ है, आदान प्रदान। अब मेरी बात सुनो, मैं ये पेन बनाया जा रहा हूं, मैंने पूरा रूम भर के पेन ये इस तरह की पेन बना दी, तो ये पेन क्या काम आएगी, कोई काम की नहीं है मेरे पास है, जब तक कोई काम है, फिर दूसरे लोगों के पास रह जाएगी या दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के पास जाएगी तो इसका उपयोग करेगा, वो भी पढ़ाने के लिए उपयोग करेगा, किसी काम के लिए प्रयोग करेगा तो इसका उपयोग लेगा, है। एक किसान के पास बहुत सारा अनाज है, जब एक अकेला किसान या उसका परिवार पूरे अनाज को नहीं खा सकता, तब तक वो क्या करेगा, वस्तु का आदान प्रदान नहीं करेगा। पहले तो हम वस्तुओं और सेवाओं का क्या करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा, दूसरा उसका आदान प्रदान करना पड़ेगा, तीसरा उसका क्या करना पड़ेगा, उपभोग करना पड़ेगा, उपभोग यानी इस्तेमाल करना। या उपयोग करना कह सकते हैं, ठीक है। जब तक हम उस वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे, हैं, मान लो घर पे बहुत सारी वस्तु, आप मान लो कि पेन सबके पास है, सबके पास पेन जा रही है, सबके पास पेन ला ली, नए नए कपड़े सबने खरीद लिया, पर उसको पेन कोई नहीं रहा है, उसका उपयोग कोई नहीं कर रहा। आपके पास नया फोन है पर डब्बे में पड़ा है, मेरे पास दो नए फोन है, चार नए फोन है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डब्बे में पड़े, वो क्या काम के आएंगे आपके डब्बे में फोन, वही काम के नहीं है। सीधी सी बात है, जब तक आप वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं करेंगे तब भी वो तभी भी अर्थव्यवस्था नहीं बनी, ठीक है। अगर आपने उत्पादन कर लिया और विनिमय उपभोग नहीं किया तब भी अर्थव्यवस्था नहीं बनी, ठीक है। आपने उत्पादन विनिमय दोनों कर लिया और उपभोग नहीं किया तभी भी अर्थव्यवस्था नहीं बनी, और आपने तीनों कर लिए तब जाके आप क्या करेंगे, एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। तो हमें अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए क्या चीज चाहिए है, उत्पादन विनिमय और उपभोग। तो ये और तो फिर ये तीनों चीज होती कैसे है, इसमें कौन कौन सी समस्या है, इसके लिए अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याओं के सामने तीन प्रश्न आए हैं। ये तीन प्रश्न कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। हम एक एक प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं भैया, बहुत ध्यान से समझना, इसको समझते ही आप इसके बाद में इसका एक अच्छा सीमांत उत्पादन का उदाहरण बताऊंगा, उससे ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको ध्यान से समझना है, दो बार ध्यान में बिठाना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहले इस टॉपिक में पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, बहुत ही गहरा प्रश्न है भैया, ठीक है। अब समझने वाली बात है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया, आपको चाहिए क्या, मान लो एक उदाहरण देखते हैं, छोटा सा उदाहरण देखते हैं, एक बच्चा है उसको क्या चाहिए, उसको तो लॉलीपॉप चाहिए, सही है, उसको तो क्या चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए। एक बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, उसको नया कपड़े चाहिए, है ना, उसको क्या चाहिए, नए क्या चाहिए, कपड़े, नए उसको कपड़े, पैंट शर्ट चाहिए, सीधी सी बात है ना, जूते चाहिए। कोई महिला है, उसको क्या चाहिए, हैं, कोई महिला है, लड़की है, तो उसको क्या, नए नए कपड़े, उनको भी वस्त्र चाहिए, गहने चाहिए, ठीक है, इत्यादि, कोई चटपटे पानी पूरी चाहिए, ये सब मांगती है, सही बात है। तो इन वस्तु का उत्पादन करना है, पहला तो वो वस्तु है जो वस्तु का उत्पादन की आवश्यकता है,
पहले हमको क्या करना है, पहली समस्या किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो हमें उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना है जो व्यक्ति की मांग है, जो व्यक्ति की जरूरत है वही वस्तु का। ऐसी वस्तु बनाओगे जो कोई नहीं खरीदेगा। आपने कभी ऐसी दुकान पे जाके वो वस्तु मांगी है जो दुकान पे बिकती नहीं हो? हैं, कपड़े की दुकान पे आप चॉकलेट लेने जाते हो, ठीक है, हैं, किराने की दुकान पे आप कपड़े लेने जाते हो, है ना, नहीं जाते। जूतों की दुकान पर आप मोबाइल खरीदने जाते हो, नहीं जाते हो। किन लागे कहने का अर्थ है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिनकी वास्तव में जरूरत है, आवश्यकता है। अब दूसरा, कितनी मात्रा में। अब मेरी बात सुना, ये बहुत बड़ी समस्या है। कहने का अर्थ है, भारत में सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं। कारण, हर देश के पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं, है ना। देश कितना अमीर है, सब कर सकता है, वैक्सीन दे दी, वो दे दिया, सब दे दिया, सब आपको ये सब बातें पता है, बहुत अच्छी बात है। पर समझने वाली बात यहाँ पर ये बनती है कि संसाधनों की हमारे पास क्या है। देखो, मात्रा किससे जुड़ी हुई है, संसाधनों से जुड़ी हुई है। एक बहुत अच्छा सब समझ लेना, संसाधनों से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, संसाधनों से। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, हमारे पास जितने संसाधन होंगे उतनी ही हम मात्रा का निर्माण कर सकेंगे। मान लो, समझ लो, एक उदाहरण देता हूँ। आपके जेब में 20 रुपये हैं, कितने रुपये हैं, चलो इसको मिटा देते थोड़ा सा, समझने की बात है। संसाधने के बारे में एक समझाता हूँ। ये भैया है, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट, ऊंचे बालों वाले, ठीक है। इस ये अपने घर से 100 रुपये का नोट लेके निकले हैं, 100 रुपीज नोट। अब क्या हो रहा है, अब ये बाजार गए, अब ये 100 रुपये में क्या क्या खरीद सकते हैं। ये गए पहले दुकान पे, वड़ा पाव खाया, 20-15 रुपये खर्च। फिर भाई साहब ने गए कहीं और, चाय वाय इत्यादि कोई पी, 10 रुपये खर्च, बचे कितने, 25 गए, 75 बाकी हैं। भैया जी को कोई अच्छा सा गेम वेम खेलना था या कोई गेम मिल रहा था, 50-60 रुपये का गेम आ रहा था, ठीक है, गेम होगा वो खेलने या लेने के लिए, वो गया तो 60 रुपये उसने खर्च कर लिए, बचे कितने, 15 रुपये बाकी, ठीक है। अब इसको कोई कपड़े पसंद आ गए, क्या पसंद आए इस भैया को, कुछ क्या पसंद आया, कपड़े पसंद आ गए, चलो कपड़े लेने गए। तो कपड़े की वो शर्ट थी 100 रुपये की, क्या वो ये कपड़ा खरीद सकता है, क्या नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता है ये कपड़ा, क्योंकि उसके पास तो अब कितने रुपए बचे हैं, सिर्फ कितने बचे, 15 रुपये बचे। सर, अब तो मैं कैसे खरीदूंगा, मेरे पास पहले तो 100 रुपये थे। या तो वो क्या करे, अब भैया के पास ऑप्शन है, या तो वो 100 रुपये के कपड़े टी शर्ट खरीदे, या 100 रुपये इन सब चीज़ों पे खर्च करे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ये संसाधनों की समस्या है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, पहले प्रश्न की समस्या क्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। हमको संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए हमको चयन की समस्या सामने आती है। इसका सरल अर्थ क्या है, हमको कैसी समस्या सामने आती है, चयन की समस्या। हमको चयन करना पड़ता है, ठीक है, किन वस्तुओं को चुनना है। अब उसको लगता है कि टी शर्ट मेरी जरूरत ज़्यादा है तो टी शर्ट खरीदेगा, ये उसका चयन हुआ। अगर उसको लगता है कि मुझे ये टी शर्ट तो मैं खरीद लूँगा अगली बार, और इस मैं अभी ये नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ, गेम वेम खेल लेता हूँ, ज़्यादा खुश में होऊंगा, तो ये खरीदेगा। तो कहने का मतलब ये, इसकी इच्छा है कि 100 रुपये कहाँ पर खर्च करे। तो आपको कहने की बात यहाँ पर यही थी कि किन वस्तुओं का उत्पादन है, जो हमारी आवश्यक है, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो वस्तु का ज़्यादा पहले उत्पादन करना, ठीक है, पहले उसका उत्पादन करना, और कितनी मात्रा में कि मुझे कितनी वस्तु तक मात्रा ये किसकी कितनी मैं इसकी खरीद सकता हूँ। मान लो ये वड़ा पाव, 2 वड़ा पाव खा सकता था तो 30 रुपये हो जाते, 5 खा सकता है तो उसके हिसाब से हो जाते, ठीक है, ये उसको ध्यान रखना है, ठीक है, कितनी मात्रा लेनी है कितनी नहीं लेनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चयन करना पड़ेगा। आपके पास संसाधन क्या है, सीमित है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, ये आप बात ध्यान रखना। अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित है, इसलिए हम वह वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना पड़ता है। कितनी मात्रा में करना है, किसके आधार पर करना पड़ता है, चयन करने के आधार पर करना पड़ता है। सभी भैयाओं को ये बात समझ में आ गई, ठीक है, सीधा सा बात है।
हमें जिन भी वस्तुओं का उत्पादन सेवा या वस्तुओं का उत्पादन करना है उसके लिए हमको क्या कौन सी समस्या सामने आती है, चयन करने की समस्या, क्योंकि संसाधन सीमित है। अगर आपके पास संसाधन ज़्यादा है तो चयन की समस्या नहीं आएगी, पर ये तो अर्थव्यवस्था का नियम है कि हमारे पास संसाधनों की क्या है, सीमितता पाई गई है। पहला प्रश्न हल हो गया, मुझे लगता है सभी भैयाओं को समझ में आ गया है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। तो सीधी सी बात है, वस्तुओं का उत्पादन क्या होता है, फैक्ट्रियों में, ठीक है, फैक्ट्री में होगा। इन वस्तुओं का उत्पादन कहां पे होगा, फैक्ट्री में होगा। फैक्ट्री में ये उत्पादन कौन करेगा, या तो मजदूर करेंगे या कौन करेगी, मशीन करेगी। या तो इनका उत्पादन कौन करेंगे, मजदूर करेंगे या मशीन करेंगे। सीधी सी बात है, आप अब आपके पास संसाधन कितना है, आपके पास मशीन खरीदने का संसाधन है तो आप ज्यादा मशीन का प्रयोग करोगे, ज्यादा मशीन का प्रयोग करोगे और कम मजदूरों का प्रयोग करोगे। ठीक है, आपके पास संसाधन इतना नहीं है और आपको लगता है कि मैं मजदूर पर ज्यादा प्रयोग करूंगा, तो हम मजदूर का ज्यादा प्रयोग करेंगे और मशीन का कम करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मजदूर ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, मशीन अच्छे से काम नहीं करेगी, तो मजदूरों पर ज्यादा खर्चा करोगे, मशीनों पर कम करोगे। ये तो सीधा सा नियम है, यही तो मैं कह रहा हूं। देखो, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, आपको ध्यान में रखना है, इन वस्तुओं को ज्यादा अच्छे से बनाना है तो मशीन का प्रयोग करना चाहिए, तो मशीन का प्रयोग ज्यादा करोगे, इसका कम करोगे, बस इसी आधार पर वस्तु निर्माण हो जाएगा। सीधे से बात है, आप कोई वस्तु बनानी, मुझे ये पेन बनानी है, या कोई बिस्किट बनानी है, या कोई खाने पीने का कोई आइटम बनाना है, या तो वो मशीन बना के देगी, चाय बनानी है, आजकल चाय बनाने की मशीन आती है, कॉफ़ी बनाने की मशीन आती है, या तो मैं कॉफ़ी बनाने की मशीन डाल दूँ या चाय बनाने की मशीन डाल दूँ, या फिर मैं एक बंदा रख दूँ जो चाय बनाएगा, घुमाएगा, चाय पत्ती डालेगा, शक्कर डालेगा, दूध डालेगा, गर्म करेगा, उबाल के दे देगा आपको। सही बात है, दोनों में से कुछ एक ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपकी दूसरी समस्याओं का हल हो गया, संसाधनों का प्रयोग करना। ठीक है, तीसरा आ रहा है, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। आप वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए कर रहे हैं, जिनको इनकी आवश्यकता है। आप वो वस्तु बनाए जा रहे हो पर उसका कोई उपयोग करने वाला नहीं है, बताया था ना मैंने, ठीक है ना, उपभोग करने वाला नहीं है तो अर्थव्यवस्था नहीं है, ये इसकी मुख्य समस्याओं में है। बात समझ में आ रही है, मैंने बताया था, ये देख लो, ये आगे से आगे यही बढ़ रहा है। ठीक है, कोई लाइन दूसरी नहीं है, अगर अर्थव्यवस्था बनानी है तो उपभोग जरूरी है। तो आप किन इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए करोगे, हैं, अगर आप अच्छा युद्ध तैयार करना चाहते हो तो शिक्षा और इस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, सीधी सी बात है, इसका इस पर ज़्यादा खर्चा करोगे। ठीक है, अगर आपको अनाज के लिए करना तो खेती बाड़ी पर ज़्यादा ध्यान दोगे, आप चाहते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा हो, हैं, तो औद्योगिकरण पर ध्यान दोगे, आप चाहते हो सेवा क्षेत्र अच्छा हो तो टेलीकम्युनिकेशंस, है ना, टेक्नोलॉजी, इन पर ज़्यादा ध्यान दोगे। जिन वस्तुओं पर आपको खर्चा करना है, जैसे देखो उदाहरण बता देता हूँ, आप चाहते हो कि देश में अन्न की कमी है, अन्न इस पर है, भोजन इत्यादि पर की समस्या है, ठीक है, भोजन इत्यादि पर की समस्या है, तो आप खेती बाड़ी पर ध्यान दोगे, खेतीबाड़ी यानी एग्रीकल्चर पर ध्यान दोगे। क्लियर, अगर आपको लगता है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है, हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप किस पर ध्यान दोगे, औद्योगिकरण पर ज्यादा ध्यान दोगे, है ना, इस पर ज्यादा खर्चा करोगे, नई नई फैक्ट्रियां करने पर ज्यादा ध्यान दोगे। फिर आपको लगता है कि सेवा क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आप टेली कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये बहुत सारे आजकल ये क्या कहते हैं इनको, ये साइबर कैफे टाइप कुछ होते हैं ना, इन पर ध्यान दो, इन पर ज़्यादा ध्यान दोगे, सेवा क्षेत्र पे है ना, बहुत सारे सेवा क्षेत्र है जो इन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन पर आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे। जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो लोगों की मांग है, वही क्या करना है, आपको उत्पादन करना है। दुकान पर आया है, दूध लेने आया है, तो उसको दूध ही दोगे, ब्रेड नहीं दोगे, ठीक है ना,
भैया दूध तो आज नहीं आया है, ब्रेड ले ले। ठीक है, दुकान पर शर्ट खरीदने आया कि भैया शर्ट तो अभी ख़त्म हो गया, टी शर्ट ले ले। ठीक है, तो ज़बरदस्ती उसको कुछ नहीं दिया जा सकता। आप वही उत्पादन करोगे, उसी का वितरण करोगे, उसी का उपयोग करोगे जो उसकी ज़रूरत है। क्लियर, ये तीनों समस्या आपको ध्यान में आ गई। ठीक है, इसी के आधार पर हम क्या समझेंगे, सीमांत उत्पादन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है भैया, एक बार इसको देख लो ध्यान से। ठीक है भैया, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याएं उत्पन्न क्यों होती हैं। देखो, एक बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपके सामने। आपके सामने प्रश्न आ जाएगा, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। तो इसके दो कारण है, इसका कारण एक, इसके दो कारण बताए गए। पहला कारण कि आपकी आवश्यकताएं असीमित है, बहुत कुछ चाहिए आपको, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, मोटर कार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। अच्छा सा फ्लैट हो, वो हो, घूमने के लिए गाड़ी हो, सब हो, खाने पीने का आलिशान, कोई पैसे की कोई कमी नहीं, अलादीन का चिराग हो, सब चाहिए आपको। ठीक है, पर आपके पास ये सब प्राप्त करने के साधन नहीं है, आपके पास पैसा कम है। आपको अच्छा आईफोन फोन लाना है 1,20,000 का, पर 1,20,000 आपके पास नहीं है। अगर आपके पास 1,20,000 है तो आप आईफोन ला सकते हो। ठीक है, आपको एक कार लानी है, लैम्बोर्गिनी लानी है, सभी भैया चाहते हो ना लैम्बोर्गिनी कार, है ना। पर आप उसके लिए क्या है, आपके पास में क्या होने चाहिए, संसाधन उतने पैसे होने चाहिए, पर आपके पास नहीं है। जब भी आपके पास ये सब पैसे नहीं, ये संसाधन आपकी आवश्यकताएं है और संसाधन नहीं है, तो कुल मिला के आपके पास केंद्रीय समस्या तो उत्पन्न होनी ही होनी है। क्लियर, फिर हम इसको समझने का एक उदाहरण बताया था मैंने, सीमांत उत्पादन और अवसर लागत। इसको हम किसके आधार, दोनों एक ही है, पर इसको सीमांत उत्पादन भी कह सकते हैं, अवसर लागत भी कह सकते हैं, कीमत लागत भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तीनों अर्थ है इसके। ठीक है, इसके ऊपर प्रश्न 2017 में एक आया भी था, 2 नंबर का प्रश्न इससे आ चुका है एक बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, केंद्रीय समस्या वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब इसमें समझते हैं, देखो हमने कुछ तालिका बनाई है, ठीक है ना, सारणी के आधार पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तालिका और ग्राफ के आधार पर हम इसको केंद्रीय समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली संभावना क्या है, ए संभावना। ये संभावना में क्या है, या तो आप किसान हो, या तो आप अनाज उगाओ या कपास उगाओ, या दोनों उगाओ तो कितनी मात्रा में उगा सकते हो उसको समझते हैं। अगर आप अनाज को नहीं उगाते हो, जीरो रखा है अनाज मैंने, तो सीधी बात से कपास की भरपूर खेती, 10 बोरी खेती कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो, क्योंकि आप क्या नहीं कर रहे हो, अनाज पर ध्यान नहीं दे रहे हो। पर सिचुएशन सेकेंड, मतलब दूसरी स्थिति में क्या हो गया कि अगर आप अनाज पर एक बोरी बना रहे हो, अनाज की एक बोरी का उत्पादन कर रहे हो, तो आपको कपास की 9 बोरियां ही मिलेगी। सीधी सी बात है, आप कपास कम उगेगा, क्योंकि आपका थोड़े बीज इसी में खर्चोगे, थोड़ा पानी इसको भी देना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान इसमें भी देना पड़ेगा, तो इस पर कहीं ना कहीं तो कमी आएगी। तो वो कमियों को क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको इसकी कुछ इकाई का त्यागनी पड़ेगी। इसी प्रकार सिचुएशन थर्ड आई, स्थिति तीसरी। अब स्थिति तीसरी में क्या हुआ, आपने इसकी 2 बोरी प्राप्त करने की कोशिश की कि मैं अनाज ज़्यादा उगाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा करूंगा, और क्या करूंगा, कपास की खेती कम कर दूंगा। तो सीधी सी बात है, इसकी आपने अगर 2 इकाइयाँ प्राप्त करने की कोशिश की, तो इसकी 3 इकाइयों को आपको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। ठीक है, चौथे अगर आपने क्या किया, चौथी संभावना, अगर आपने इसकी 3 इकाइयाँ प्राप्त करने की गए, तो आपको इसकी 4 इकाइयाँ ही प्राप्त होगी। मतलब आपको कपास में और कमी करनी पड़ेगी, मतलब कपास की आपको 6 इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी। पांचवें नंबर पे अगर आप पांचवी स्थिति देखते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 अनाज प्राप्त करते हो, अनाज की 4 बोरियां प्राप्त करते हो, तो सीधी बात है आपको कपास बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। सर यहाँ पे आंकड़ा कुछ गलत नहीं है क्या, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, और यहाँ पे कपास की संभावना 10, 9, 7, 4, 0 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका अर्थ यहाँ पर यह है, देखो इस पर ध्यान नहीं देना, ये तो एक तालिका बनी हुई है और ये किताब में दी गई है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, पहली बात ये समझनी है, कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे इकाइयों, एक इकाई 9 के बराबर है या 1 इकाई 1 के बराबर, ये जरूरी नहीं है। इकाइयों की तालमेल कहीं बताया कि 1 इकाई 1 के बराबर है, 10 इकाई 10 के बराबर है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। तो कपास अपनी स्थिति अलग है, इसकी स्थिति अलग है, इसके आधार पर हमने एक तुलना की है। ठीक है, अगर आपको अनाज की 4 बोरियां तैयार करनी है, सीधी सी बात है आपको कपास की 1 बोरी भी नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है, अगर आप अनाज की क्या करोगे, 3 बोरियां बनाओगे, तो कपास की आपको 4 बोरियां प्राप्त होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ के आधार पर समझते हैं। देखो ग्राफ भी यही कह रहा है, देखो ये पूरा कपास का पोर्शन है और ये पूरा अनाज का पोर्शन है, दिख रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो, पहली स्थिति के आधार पर देखते हैं, जब अनाज क्या था, जीरो था, तो अनाज जीरो कहाँ पे आ रहा है, ये देखो जीरो यहाँ पे, तो अनाज है जीरो। तो सीधी सी बात है, कपास दस था तो ये कपास दस पर मिल रहा है, सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लो, सेकेंड पॉइंट में क्या क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, अनाज एक पर है तो अनाज यहाँ पर है, एक मतलब कहाँ पर, इधर, ठीक है। कपास कितने पर है, नौ, नौ मतलब यहाँ पर, तो एक और नौ कहाँ पे मिलेगा, इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह मिल जाएगा, ये इस तरफ मिल जाएगा, इस तरह से ये आंकड़ा तैयार होगा, इस तरह से ये क्या होगा, एक आंकड़ा तैयार होगा, ठीक है। कोई समझने वाला विषय नहीं, इसको समझना इतना ही था कि अगर आपको एक वस्तु प्राप्त करनी है तो दूसरी वस्तु को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। अब इसको एक उदाहरण, इसकी एक परिभाषा है, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अवसर लागत की परिभाषा, आपको सीमांत लागत के उत्पादन की परिभाषा नहीं पूछेंगे, आपको क्या पूछेंगे, अवसर लागत की परिभाषा। तो अवसर लागत की परिभाषा को आपको ध्यान से समझ लेना है। एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर अन्य वस्तु की त्यागी या गवाई गई मात्रा से, सीधी सी बात है, आपको अवसर कब मिलेगा, क्या मौका, मौका चाहिए सर, मौका चाहिए, मैं भी तैयारी कर लूंगा, तभी, सीधी सी बात है, होशियार बच्चे होते हैं ना, वो मौका देख के पढ़ाई करते हैं, है ना। आप सीधी सी बात है, एक गेम को समझो, गेम समझ लो, फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, या फिर क्रिकेट खेल लो, बैट आपके हाथ में है, ठीक है, एक अच्छी बॉल आपके बैट पर आई, आपको पता चल गया ये बैट पर, सीधी बैट पर, तो सीधा आप क्या करोगे, उसको छक्का लगाने की कोशिश करोगे, सिक्स लगाने की कोशिश करोगे, उस समय आपको क्या मिल गया, एक अवसर मिल गया। सीधी सी बात है, यहाँ पर भी अवसर लागत है, आपको लगता है कि अनाज के भाव बढ़ा हुआ है तो अनाज की खेती बढ़ा दो, कीमत बढ़ी इसलिए इसको कीमत लागत भी कहा है। आपको लगता है कि अभी अनाज पर खर्चा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा तो अनाज की कीमत बढ़ी हुई है तो अनाज को उगाओ। आपको लगता है नहीं, कपास की खेती ज़्यादा अच्छी है, कपास खेती सरल भी है और अच्छी भी होगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा तो कपास की खेती बढ़ा दो, ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर, अगर आपको जो वस्तु बनानी, जैसे मेरे को यहाँ पे बनाना था अनाज बढ़ाना था, तो अनाज के स्थान पर अन्य वस्तु की, अन्य वस्तु कौन सी, कपास, कपास की त्यागी गई मात्रा या गवाई गई मात्रा से, यही हमारा क्या कहा जाएगा, अवसर लागत कही जाएगी, ठीक है। आज हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है, आपको ये सभी भैया को ये सब समझ में आ गया। तो कल अपना टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करेंगे, आर्थिक क्रियाकलापों के आयोजन के बारे में पढ़ाएंगे। सभी भैया ध्यान से पढ़ना, नहीं समझ में आए तो यूट्यूब वीडियो को रिवाइंड करके एक बार वापस, और किसी को कोई समस्या है तो मुझे कॉल कर सकता है।